रायगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर मनीष शर्मा द्वारा पत्रकारों से अभद्रता बदसलूके के मामले में युवाओं ने खोला मोर्चा। दो दिन पहले फतेहगढ़ स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर प्रभारी मनीष शर्मा द्वारा पत्रकारों से बदसलूकी व अनर्गल आरोप मढ़ने पर क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। क्षेत्रवासियों ने डॉक्टर मनीष शर्मा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए एवं डॉक्टर नहीं गुंडा है यह भी कहा। आपको बता दें कि फतेहगढ़ स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर मनीष शर्मा जो कि यहां के प्रभारी हैं अक्सर तानाशाही और मरीजों से दुर्व्यवहार व अभद्रता करते हुए अक्सर नजर आ जाते हैं। इसी तरह डॉक्टर ने क्षेत्रीय पत्रकारों से भी अभद्रता की। इसके खिलाफ क्षेत्रवासियों ने डॉक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं फतेहगढ़ थाना प्रभारी को कलेक्टर के नाम आवेदन सौंपा है। क्षेत्रवासियों में डॉक्टर के खिलाफ काफी असंतोष है और रोष भी व्याप्त है। मेरे साथ भी उस दिन साहब बहुत बदतमीजी की जी, और संट संट बोला फार्म फेंक दिए, बोले फार्म फेंक दूंगा मैं, केस ये ऑपरेशन केस नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं हुआ कैंप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 15 दिन पहले जो मतलब आपने मतलब फार्म भरे हैं उनको आप लीजिए, नए आ रहे हैं उनको क्यों ले रहे हैं आप भाई? उनका जो मतलब स्टाफ का या उनका मिलने वाला कोई भी पहुंच जाए उसको वो शामिल करता, जो मेरे 15 दिन पहले फार्म भरे हुए हैं 7 फार्म कल वाला जिलाधीश महोदय के लिए एड्रेस किया गया है जी। इस आवेदन जो ज्ञापन है आपकी समस्त जो लोगों के हस्ताक्षर है जिसमें एक पर्चा भी लगा हुआ है, पूरे मूलतर हम कलेक्टर साहब के लिए इसको फॉरवर्ड कर देंगे जी, है ना, उसको हम पूरा आपकी जो समस्याओं से अवगत करा देंगे। इसमें सर निवेदन था, एक जो पीछे पर्ची लगी हुई है जी। ये शासकीय पर्ची है सर जी। इस पे ये शासकीय दवाई है, पीछे मेडिकल से दवाई लिखी जाती है, और जबकि इसकी पूरी इंक्वायरी होगी, और इसमें जबकि बिना हाथ लगाए पेशेंट को, कौन है वो लगाया तो बिना हाथ लगाए इनको दवाई दी गई है, और हाथ तो पकड़ता ही नहीं है, पकड़ने का काम नहीं है बस, जैसे भगवान दूर से देख के पहचान लेता है ना क्या बीमारी है वैसे। नहीं, आप इतने बड़े अधिकारी हैं सर, यहाँ के मतलब एक मेन आदमी है, आप इतने प्यार प्रेम से बोलते हैं, कोई भी बंदा आता है तो कम से कम आप तरीके से बात तो करते हैं जी, लेकिन वो तो इस तरह से मतलब खड़ा ही नहीं होने देता। मेरे से खुद कहा कि आप बाहर निकल जाइए, मैं क्यों निकल जाऊं बाहर, में मैंने गुना क्या किया मुझे ये बताइए। डॉक्टरी कर रहा है, गुंडागर्दी करने आए हैं। जो ज्ञापन आपने मुझे दे दिया है इसी तरह का, आपको और समस्या तो कलेक्टर साहब के लिए एक सब लोग मिल लेना वहाँ पर, आपकी समस्या मैं पूरी वहाँ पे भावर कर ही दूंगा जी, लेकिन व्यक्तिगत तौर से आप और मिल लेना अपने कलेक्टर साहब से, है ना? ठीक है सर, बाकी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कौन से डॉक्टर साहब? क्या नाम है आपका? रवि ओझा। क्या परेशानी थी सर? मेरे पेट में गड़बड़ थी तो मैंने उनसे कहा कि मेरा इलाज कर दो, तो डॉक्टर साहब ने ना तो मेरा हाथ देखा और बिना हाथ पकड़े ही उन्होंने तो टेबल पे बैठे बैठे मेरे को पर्चा बना के दे दिया, और साथ में उसमें ये भी बना के दिया मेरे को कि मेडिकल पैसे आप गोली दवाई लेकर आओ, यहाँ पे उपलब्ध नहीं। तो उनने क्या प्राइवेट पर्चा बना के दिया था आपको कि मेडिकल से लो? मेडिकल वो सरकारी पर्चे पे ही मेडिकल उन्होंने लिखा पीछे। डॉक्टर ने बदतमीजी की उस चक्कर में, मतलब यहाँ कौन से डॉक्टर ने? सरकारी हॉस्पिटल में है ना वो शर्मा जी। कौन से हॉस्पिटल में, कौन सी जगह? फतेहगढ़, मनीष शर्मा फतेहगढ़ में। क्या हुआ था, क्या परेशानी थी? परेशानी ये थी तो वो मतलब जो मैं केस लेके आया था हॉस्पिटल जी, तो उसने 7 फार्म भरे हुए थे, 7 फार्म मतलब भरे थे, उसमें 3 फार्म उसने मेरे शामिल किए, बाकी 4 फार्म निकाले। जो लेडीज मतलब फार्म भरे थे मौके पे नहीं आई उनके वजह में मैंने ये कहा था भाई जो केस मौके पे हैं इनके भी मतलब जो है उसी तारीख में फार्म भरे हुए तो आप इनको शामिल कर लो, वो नए जो केस थे उनको शामिल कर रहा था और मेरे केसों को निकाल रहा था। इस चक्कर में मैंने उसको कहा तो मेरे फार्म फेंक दिए, ज़्यादा कहा तो ये कहा मैं फाड़ के फेंक दूंगा, और तुम कौन होते हो, मैं भिंड मुरैना का रहने वाला हूँ, मैं तुम्हें देख लूँगा। थाने में इसलिए करते हैं कि 8-10 रोज पहले कुछ तिलक आया मुझे तो इंजेक्शन लगवाने गए थे अस्पताल में, तो डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब ने बोला कोई इंजेक्शन नहीं है अस्पताल में, फिर कल आना, तो फिर कल भी गया तो कल भी नहीं आया, जैसे करके 8-10 रोज हो गए। कौन से डॉक्टर साहब है? मनीष जी। मनीष जी कौन सी जगह पे गए थे आप? फतेहगढ़ में। फतेहगढ़ में। बमोरी से ग्राउंड रिपोर्टर जालम किरार की रिपोर्ट।